नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति और चुनाव, चुनाव का और राजनीति का साये और धूप की तरह संबंध है, नदी और किनारे की तरह संबंध है। अब देखिए ना, बिहार में उपचुनाव खत्म हुए, लेकिन उपचुनाव ने बहुत अधिक राजनीतिक कसीदे गढ़े हैं, राजनीतिक पायदान जो है उसे तैयार किया है। अब इसके बाद अगर देखें तो अब देश में जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, इसकी भी तैयारी जोर शोर से अब से ही शुरू हो गई है। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जो है तैयारी में जो है जुड़ गए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पहले ही पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट हो चुके हैं अपनी पार्टी जदयू की ओर से, लेकिन G23 वाली बातें जो सामने आ रही थी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो पिता हैं लालू प्रसाद यादव जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक साझा गठबंधन बनाने का, वो गठबंधन जो बीजेपी के साथ केंद्र के एनडीए सरकार के साथ जो है लड़ सके, डटकर मुकाबला कर सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी जी बाजी मारते हुए दिखी थी। शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी जी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि यूपीए जो थी वो अब समाप्त हो गई है। यानी कि ममता बनर्जी जी के अनुसार जो कांग्रेस और कांग्रेस के जो घटक दल का जो गठबंधन था, यूपीए गठबंधन, वो समाप्त हो गया है। इसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी जी ने यह ऐलान किया, इसके साथ ही इसकी भनक बिहार के राजनीतिक तक जो है पहुंच गई। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उद्योग विभाग के मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जी जो कि यूपीए सरकार की एक मजबूत नेत्री थी, एक मजबूत घटक दल थी, और जो है उनका अगर बात करें कांग्रेस के बाद जो दूसरे नंबर का जिनका जो सांसदों का संख्या था, उन्होंने जब ऐलान कर दिया है तो अब ये बात स्पष्ट हो गया कि यूपीए नाम का अब कोई गठबंधन वर्तमान में नहीं है, अतीत की बात हो गई है ये। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ अब देश में एक ही राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, बड़े गठबंधन है, वह है एनडीए। इसके बाद जो भी है वह अलग अलग राजनीतिक दल है, सबका एक साझा गठबंधन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनडीए सरकार ही 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का भी लोकसभा चुनाव जीतेगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। ममता बनर्जी ने कहा यूपीए खत्म हो गई है देश में। हाँ, ये बात सवाल थोड़ा ये ठीक का सवाल किया। तो यूपीए क्या सही में खत्म हो गई है देश में? देखिए आज आज अरे बोलने दीजिए ना, आप आइएगा ना, वहाँ इज एंड डूइंग वाला जो है, वो जो कल आप स्टोरी किए थे उसमें कहाँ हमसे बयान लिए, वो तो तुरंत एक हफ्ते में हो जाता है। ममता बनर्जी ने कहा यूपीए खत्म हो गई है देश में, शरद पवार से मिली थी कल वो मुंबई में। देखिए कल यूपीए का अंतिम दिन था, यूपीए की जो अहम घटक है, जो लोकसभा में जिनकी सदस्य संख्या कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि यूपीए ख़त्म हो गया, कल यूपीए नाम की संस्था अब नहीं रही। अब वो भी शरद पवार जी से मिलने के बाद ममता जी ने घोषणा की है, तो अब इस शब्द का और इस सवाल का सवाल जवाब भी अब ख़त्म हो गया। अब देश में एनडीए है, बाकी अलग अलग दल हैं, कोई भी अलायंस एनडीए के सामने अब नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो पूर्व यूपीए की एक नेता ने कहा है, अब पूर्व हो गया वो। अल्टरनेटिव अलायंस वो लोग बना रहे हैं एनडीए के खिलाफ। यूपी में कोई अलायंस कुछ भी बना ले, उत्तर प्रदेश में भी हम जीतेंगे और 2024 का भी चुनाव एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगा और 2025 में भी एनडीए बिहार विधानसभा में जीतेगा। इतना लंबा दे दी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।